वहीं किसान आंदोलन को लेकर के बोले हैं रविशंकर प्रसाद। कृषि मंत्री ने बातचीत की पेशकश की है। रविशंकर की तरफ से कहा गया किसानों से शांति बनाए रखने की अपील हम कर रहे हैं। ये तमाम बातें रविशंकर प्रसाद की तरफ से की गई है। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कहा है रविशंकर प्रसाद ने आपको एक बार सुनवाते हैं। मित्रों, आप सवाल मुझसे करेंगे इसलिए वो उत्तर हम पहले ही दे देना चाहते हैं कि आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो अलग अलग जगहों पर किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं किसान और उन्हें रोकते हुए सुरक्षा बलों की तस्वीर। ये फिलहाल जो ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं वो शंभू बॉर्डर की है, जहां किसान डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का ऐलान है अब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि किसानों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो सके। जो बातें, जो मांग किसान कर रहे हैं उनकी मांगों के मद्देनज़र प्रस्ताव भी सरकार द्वारा पेश किए जा रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। ये शंभू बॉर्डर की आप तस्वीर देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की और यहां पर एक बैरिकेड क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं किसान, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल द्वारा वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और अपना बचाव करते हुए यहां किसानों को आप देख रहे हैं। जेसीबी और पोकलेन मशीन हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यहां किसान एमएसपी को लेकर के लगातार बातचीत करने की कवायद कर रहे हैं। सरकार से उनकी चौथे राउंड की बातचीत हो गई है, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। अब पांचवें राउंड की बातचीत की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है।